हाय, टीटीआई के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ सबसे कूल और अजीबोगरीब चलने वाली ट्रांसपोर्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो वाकई आपको चकित कर देंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। BW Air। BW Air एक ऐसी नई मशीन है जो आपको शक्तिशाली जेट पैक में उड़ने का अनुभव देती है। क्रिश्चियन बबा के इस जेट पैक को मार्टिन एयरक्राफ्ट और ओकले की मदद से बनाया गया है। देखने वाली बात यह है कि हवा में उड़ान भरने के साथ साथ ये मशीन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और खूबसूरत है। गोल्फ के मैदान में उड़ने वाली इस जेट पैक की सीमा 3000 फीट ऊंचाई तक होती है, जिसमें इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अच्छा, तो ये कमाल कैसे होता है? वेल, BW Air में 200 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, जो 200 केजी की इस मशीन को आसानी से हवा में उठाने की क्षमता रखता है। और साथ साथ ये मशीन आपको भी गोल्फ खेलने के लिए लिए फिरती है। तो क्या आप भी हवा में उड़ते हुए नजारे करने का शौक रखते हैं? तो फिर जल्दी से $250,000 गिन कर अलग रख लीजिए। बबाज हवर। बबा वॉटसन की वायरल होने वाली वीडियो, जिसमें वो गोल्फ के मैदान में ड्राइव करते हुए नजर आते हैं, उसने कई सारे लोगों को प्रभावित कर दिया है कि वाकई गोल्फ के लिए सवारी की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि ये व्हीकल हवरक्राफ्ट का बदला हुआ एक मॉडल ही है, जिसकी कीमत बिना किसी कस्टमाइजेशन के $16,000 से $20,000 तक बनती है। ये व्हीकल मोटरसाइकिल स्टाइल वाले हैंडल और आम गोल्फ गाड़ी जैसी छत के मिलाप से बनाई गई है, इसीलिए लगता नहीं कि ओकले और न्यू टेरिक ने इसे और ज्यादा लोगों के लिए विकसित करने के लिहाज से बनाया है। तो इंटरनेट पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको भी ऐसी व्हीकल की जरूरत है तो आपको खास तौर से इसे ऑर्डर करना होगा। गिब्स हमडिंगा। गिब्स हमडिंगा जमीन और पानी पर चलने वाला एक तेज रफ्तार ट्रक है, जिसे गिब्स टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। हमडिंगा करीब 15 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट का नतीजा है। इसे खास तौर पर आबादी से दूर के इलाके और ऊंचे नीचे रास्तों के लिहाज से बनाया गया है। हमडिंगा केवल ड्राइवर के एक बटन दबाने पर ही जमीन से पानी के मोड में चली जाती है। इस मोड में गाड़ी के पहिए सिमट जाते हैं और पूरा सिस्टम ड्राइविंग से हटकर पानी पर चलने के लिए जेट प्रोपल्शन सिस्टम में बदल जाता है। हमडिंगा में 350 BHP V8 मॉडल वाला इंजन होता है। ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर और 65 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पानी पर चलने की क्षमता रखता है। गिब्स का चार पहियों वाला ये ट्रक जमीन पर केवल 9.2 सेकेंड्स में 0 to 100 kmph तक एक्सेलरेट कर जाता है, जबकि पानी पर केवल 10 सेकेंड से भी कम में ये नाव में ढल जाता है। और हाँ, इसमें 6 पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगह होती है। डीप फ्लाई ड्रैगन। डीप फ्लाई ड्रैगन को आसान भाषा में बताया जाए तो ये समझ लें कि ये जैसे पानी का हवाई जहाज है। आप पूछेंगे कि ये कैसे? तो इसका उत्तर ये है कि ये जहाज पानी के भीतर ऊपर आने के लिए पॉजिटिव बॉयंसी नामी एक नियम का उपयोग करता है, जिसका मतलब अगर किसी कारण से पानी के अंदर पावर खत्म हो जाए या ये बंद हो जाए तो ये जहाज खुद से पानी की सतह तक आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको कंट्रोल करने की कठिनाई के बारे में सोच रहे हैं तो फिर रहने दें, क्योंकि ड्रैगन को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, जिसे आम एडवेंचर के शौकीन लोग भी किसी खतरे के बिना चला सकते हैं। हाँ, एक बात है जो आपको ड्रैगन खरीदने से रोक सकती है, वो है इसकी कीमत, जो आपको कुछ लगभग $1.5 million की पड़ेगी। मतलब ये लेने के लिए वाकई आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा गहराई ये जहाज पानी में उतरता है उतनी ही इसकी कीमत है। प्रोजेक्ट जीरो।
इस मशीन को देखा जाए तो ये बहुत ही खुले हुए ढंग में बनाई गई है, और ये बनावट आने वाले हेलीकॉप्टर्स का भविष्य भी हो सकती है। बस बैटरी का सही चुनाव होना चाहिए। ऑगस्टा वेस्टलैंड प्रोजेक्ट जीरो के नाम से इस मशीन को टिल्ट रोटर लिफ्ट फैन एयरक्राफ्ट का मिलाप कहा जाता है, जिसे ऑगस्टा वेस्टलैंड में मौजूद टेक्नोलॉजी को समझने वाले बेहतरीन अनुभवी लोगों ने बनाया है। बेल बोइंग V-22 ऑस्प्रे के जैसे ये विमान भी हेलीकॉप्टर से लेकर जहाज तक सारी क्षमताओं को अपने अंदर लिए हुए है। इस विमान में एक और दिलचस्प बात है, वो ये कि इसमें ऐसी जगहों में भी उड़ते रहने की क्षमता रखी गई है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे अगर ये विमान किसी ज्वालामुखी के करीब से गुजर रहा हो, या फिर क्यों ना मार्स ही चला जाए। ऐसी हालत में बस हमें प्रार्थना करते रहना है कि इसकी बैटरी अपने आप को थामे रहे। बैजर ब्रेकर 8600। बैजर ब्रेकर को 1988 से बैजर स्टेट हाईवे इक्विपमेंट INC वाले बनाते आ रहे हैं, और जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि इस मशीन को ठोस और पक्की जमीन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8600 बैजर ब्रेकर एक ऐसी मशीन है जिसमें रबड़ के टायर लैस होते हैं। खुद से चलते रहने की खूबी है इसमें, और गियटीन वाले ढंग से ये पक्की एस्फॉल्ट द्वारा रोड या जमीन को तोड़ती है, बल्कि इसे आप थोर देवता के जैसे ही समझ लें। वैसे भी ये मशीन शहरी इलाकों में अपने जोरदार हथौड़ों द्वारा तोड़ फोड़ करती ही रहती है। बैजर की इस मशीन के भारी हथौड़े 8 फीट चौड़े फ्रेम में होते हैं। 12,000 पाउंड भारी इस डिवाइस में इलेक्ट्रिकली 0 से 9 फीट ऊपर से वजन नीचे फेंकते रहने की क्षमता होती है। फिर इस फ्रेम के पीछे 8.5 फीट चौड़ी और 18 फीट लंबा ट्रैक्टर जुड़ा हुआ होता है। बैजर ब्रेकर 8600 में पावर देने के लिए डीजल इंजन रखा गया है, जिसमें 140 HP की क्षमता होती है, और इसी से 35 साइकिल पर मिनट के हिसाब से जोरदार हथौड़ों की गति बनी रहती है। AEE ऑटोनॉमस मशीन। आइए AEE ऑटोनॉमस मशीन को देखते हैं, जो आप सबके कामों की जिम्मेदारी लेती है। हम ऐसे बोर और थका देने वाले कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो आप खुद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग जाता है कि ये रोबोट बिना किसी बाहरी सुविधा के अपना काम कर सकता है, और देखभाल वाले कामों में ये सफाई, कीचड़ पानी को हटाना जैसे काम भी करता है, और बल्कि सामान वगैरह को ले जा भी सकता है। रोबो इंडस्ट्रीज INC ह्यूस्टन टेक्सास की एक कंपनी है। ये लोग पहले से बनी बनाई मशीन्स को ऑटोमेटिक काम करने वाले रोबोट्स में बदलने का काम करते हैं। फिर इन मशीन्स के इस्तेमाल से आपको हाथों हाथ अपने काम में 63% तक के सुधार भी नजर आने लगते हैं। AEE ऑटोनॉमस मशीन में रेडार भी लैस होते हैं, 2D और 3D लाइडार, और साथ साथ इसमें कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करने वाला एक पूरा सिस्टम भी होता है। इसीलिए अब पूरा थका देने वाला काम मानो एक कल्पना बनकर रह गया है। हॉलर HX1। आज की लिस्ट के अंत में हॉलर HX1 को देखना ना भूलिएगा। ये एक भविष्य की कंकर सीमेंट लोड करने वाली बिना ड्राइवर वाली गाड़ी है। कॉन एक्सपो IFPE साल 2017 में इस गाड़ी का पहला प्रदर्शन हुआ था। ये बैटरी और इलेक्ट्रिक पावर पर चलने वाली गाड़ी इंडस्ट्री में आने वाला एक अनोखा मॉडल है, जिसमें हाइड्रोलिक द्वारा काम करने की क्षमता भी है, और इसके इस्तेमाल से कार्बन की निकासी में 95% तक कमी आ जाती है। साथ साथ ये मशीन दो दिशा में भी काम कर सकती है। ये व्हीकल 18 फीट लंबी है और 8 फीट चौड़ी है, और इसका कुल वजन 14,300 पाउंड है, जबकि इसकी स्पीड 25 mph है। 4 पहियों वाली ये गाड़ी 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स पर निर्भर होती है, और 2 पहिए खास इस इलेक्ट्रिक पावर पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर से 8 अद्भुत आविष्कारी गाड़ियों की लिस्ट। आपको इस लिस्ट में कौन सी व्हीकल पसंद आई, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाएं। फिर मिलते हैं, टेक केयर।